ओए लकी लकी ओए, आपको अनुराग की पिक्चर नहीं मिलेगी लेकिन दिबाकर की बैनर्जी की पिक्चर मिलेगी, जो कि इक्वली मेरे हिसाब से अच्छे डायरेक्टर हैं। वो मूवी कैसे आपको मिली और उसके बारे में बताएं। अभय देओल का शायद आपको इंटरव्यू भी करना चाहती थी, जो उन्होंने मना कर दिया था और बाद में उन्हीं के साथ काम करने का आपको मौका मिला, ये क्या कहानी थी? ये कहानी है कि बम्बई में मैं मीडिया का एक कोर्स कर रही थी। उसका डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब आप कोर्स खत्म करने के बाद इंटर्नशिप करें। तो मैं इंटर्नशिप करने चली गई मैंस वर्ल्ड मैगजीन में। मैं इंटर्न थी, यानी कि मुझे पगार कम मिलती थी, सिर्फ कन्वेंस मिलता था। और ये जो मतलब ऐसे ऐसे काम थे वो मुझसे कराए जाते थे, जैसे कि फिल्म स्टार को 4 बार फोन करके पूछो सर इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट दे दीजिए। तो ऐसा एक कॉल मैंने अभय देओल को भी किया था। 2007 की बात है, मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा सर मेरे एडिटर ने बोला है अपॉइंटमेंट दे दीजिए इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा कवर है कि अंदर की फैशन स्टोरी है कुछ। तो मैंने कहा सर अंदर का ही कुछ है। बोलते हैं देखो मेरी फिल्में आ रही हैं देव डी और ओए लकी, जब कवर दोगे तो बात करना। तो उन्होंने फोन और अब अंदर की भी नहीं मिल रही है नहीं उनको आजकल, तो अंदर के भी मुश्किल लाले पड़ गए नहीं वो उनके। बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहती कि उनको नहीं लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था अपने आप में और इन दो फिल्मों में कि उन्होंने बोला कि 6 महीने बाद बात करते हैं। और 6 महीने बाद ना मुझे पता था ना उन्हें पता था, इनफैक्ट उन्हें आज तक नहीं पता कि मैंने वो फोन किया था। और 6 महीने बाद हम साथ में शूट कर रहे थे दिल्ली में फेब्रुअरी में।